हेलो स्टूडेंट, स्टडी मटीरियल चैनल से थोड़ा स्वागत है। अज असीं तुहाडे लई लै के आए छेवीं क्लास का कंप्यूटर साइंस का पेपर। इसके कुल अंक 50 होणगे ते समा होएगा 2 घंटे। आओ आपां इह पेपर सॉल्व करदे हाँ। पहला हैगा बहुविकल्पी क्वेश्चन। फस्ट है कंप्यूटर डैश कर सकता है गणनावां डाटा ते हदायतां स्टोर ते उपरोक्त सारे। इसका उत्तर है उपरोक्त सारे। दूसरा है कंप्यूटर अपने काम बहुत डैश नाल करता है रफ्तार शुद्धता गुणवत्ता। इसका उत्तर है उपरोक्त सारे। ठीक है। थर्ड हैगा कंप्यूटर सिस्टम का केड़ा भाग यूजर तो इनपुट प्राप्त करता है इनपुट यूनिट। इस तो अगे इन्हों विचों सीपीयू का केड़ा भाग है कंट्रोल यूनिट मैमरी यूनिट ALU। इसका उत्तर है ALU। नैक्सट हैगा कंप्यूटर सिस्टम केड़ी मैमरी पक्के तौर पर डाटा स्टोर करती है सेकेंडरी मैमरी। नैक्सट हैगा कंप्यूटर उपर लॉगिन करने तो बाद दिखाई देने वाली स्क्रीन नू की कहते हैं डेस्कटॉप। हाँ जी। इस तो अगे है कंप्यूटर सिस्टम बेच हाँ जी। इस तो अगला है डिलीट कीतियां फाइलां किस विचों प्राप्त कीतियां जा सकदियां ने रीसाइकल बिन। नैक्सट है पेंट विंडो दे सब तो उपरले पासे डैश बार मौजूद हुंदी है टाइटल बार। हुण इह तुहानू बच्चों मैं इंग्लिश मीडियम बेच भी करवा दिनी हाँ। ठीक है, वो भी तुहाडा नाल ही कवर हो जाएगा। आओ करते हैं। हाँ जी, इंग्लिश मीडियम दे विच हैगा सुनो। फस्ट है कंप्यूटर कैन डू डैश कैलकुलेशन एक्सेप्ट डाटा एंड इंस्ट्रक्शन स्टोरेज ऑल ऑफ अबव आएगा। नेक्स्ट हैगा कंप्यूटर परफॉर्म एज ऑपरेटिंग विद हाई स्पीड एक्यूरेसी एफिशिएंसी ऑल ऑफ अबव। नेक्स्ट है विच पार्ट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम एक्सेप्ट इनपुट फ्रॉम द यूजर। इसका आंसर है इनपुट यूनिट। नैक्सट हैगा विच इज़ द पार्ट ऑफ CPU कंट्रोल यूनिट मैमरी यूनिट। इसका आंसर है ALU। अगला है विच मैमरी स्टोर परमानेंट डाटा इन कंप्यूटर सिस्टम। इसका आंसर है सेकेंडरी मैमरी। नैक्सट है स्क्रीन अपीयर्ड आफ्टर लॉगिन इन कंप्यूटर इज कॉल्ड डेस्कटॉप। नैक्सट हैगा 7th ऑल डिलीटेड फाइल्स गो टू माई कंप्यूटर नैटवर्क रीसाइकल बिन सी आएगा इसका आंसर। नैक्सट हैगा द डैश बार इज प्रेजेंट ऑन एट द टॉप ऑफ द पेंट विंडो। इसका आंसर है टाइटल बार। ठीक है बच्चों, इस तो अगे अगला आप पंजाबी करते हैं। हाँ जी, आप 8 तक कर चुके हैं, हुण आप ब्लैंक्स आ गई आप करते हैं। फस्ट है कंप्यूटर एक डैश मशीन है। इसका आंसर है इलेक्ट्रॉनिक। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। नंबर 2 है मोबाइल एक डैश उपकरण है पोर्टेबल। ठीक है, पोर्टेबल। नेक्स्ट हैगा डैश ऑपरेटिंग सिस्टम एक मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसका आंसर है एंड्रॉयड एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। दूसरा है कंप्यूटर गणनावां नूं 100% शुद्धता नाल नहीं करता, ये गलत है। कंप्यूटर विच भावना ते समझ नहीं हुंदी, ये सही है। असी नोटपैड दी वरतों नाल ड्राइंग बना सकते हाँ, ये गलत है। कंप्यूटर स्टार्ट होने की प्रक्रिया नूं बूटिंग कहते हैं, ये सही है। ठीक है बच्चो, ये कर लेना है। आओ हुण आपां यही इंग्लिश मीडियम विच कर लिए पहला। हाँ जी, 9th हाँ जी, आओ करते हैं। कंप्यूटर कैन नॉट डू कैलकुलेशन विद 100% करेक्शन, ये गलत है, फॉल्स। कंप्यूटर डू नॉट हैव फीलिंग और IQ, बिल्कुल सही। वी कैन क्रिएट ड्राइंग यूजिंग नोट पैड, रॉन्ग। द प्रोसेस स्टार्टिंग कंप्यूटर इज कॉल्ड बूटिंग, ये सही है। ठीक है बच्चो, तो इस तो अगला आ जिहड़ियां 2 क्वेश्चन वह पहला दिते से उन्होंने पंजाबी मीडियम के पेपर से, इस तो बाद दिते ने आप करते हैं। कंप्यूटर इज एन डैश मशीन। इसका आंसर है इलेक्ट्रॉनिक। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट है मोबाइल इज ए डैश डिवाइस पोर्टेबल डिवाइस। ठीक है, इस तो अगला है डैश ऑपरेटिंग सिस्टम इज एन
मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम एंड्रॉयड एंड्रॉयड ठीक है, एंड्रॉयड के फोन होंगे ना सारे, वो हो गया। इस तो अगला आपां पंजाबी मीडियम च करांगे, बिचे तुहानू इंग्लिश मीडियम च नाल ही दिखा देना मैं। हाँ जी हाँ बच्चे, इस तो अगे है सी पी यू का पूरा नाम, सी यू का पूरा नाम, एम यू का पूरा नाम, तो ए एल यू का पूरा नाम, आओ करते हैं। हाँ जी बच्चे, इंग्लिश मीडियम के पहला देख लें, ए एल यू का पूरा नाम हैगा अर्थमैटिक लॉजिक यूनिट, सी पी यू का हैगा सेंट्रल प्रोसैसिंग यूनिट, इस दे विच सी यू का हैगा कंट्रोल यूनिट, एम यू का हैगा मैमरी यूनिट। ठीक है, ये दिते हुए ने अचारी ने, बस तुसी सारे पढ़ सकते हो, तुहाडी मर्जी है, ये कर लेना है। हुण आपां पंजाबी मीडियम च देखते हाँ जी, वैसे तो इंग्लिश पंजाबी दोनों ही दिते हुए ने, इतों ही कर सकते हैं। ए एल यू का अर्थमैटिक लॉजिक यूनिट, इंग्लिश दे विच अर्थमैटिक लॉजिक यूनिट ही है। सी पी यू का हैगा सेंट्रल प्रोसैसिंग यूनिट, इंग्लिश हो जाना। ठीक है, सी यू का कंट्रोल यूनिट, कंट्रोल यूनिट, एम यू मैमरी यूनिट, मैमरी यूनिट। ठीक है बच्चे, दोनों ही कर लेना। अगला है, इस तो अगला है नवी फाइल बनाने लई शॉर्टकट कीज़, ये मैं तुहानू करा दिनी है, दोनों लई सेम है। ठीक है, कंट्रोल प्लस एन आएगा। ठीक है, तो इनू वड्डी ए बी सी विच लिख सकते हैं, कंट्रोल प्लस एन, ये न्यू फाइल बनाने लई है। इंग्लिश मीडियम ने तो पंजाबी मीडियम सेम ही लिखणगे। इस तो अगला हैगा पहला बनी फाइल नू खोलण लई शॉर्टकट की, पहला बनी नवी फाइल नू दे नू खोलण लई आएगा कंट्रोल प्लस ओ। ठीक है, दूस अगला हैगा पहली फाइल नू सेव करन लई शॉर्टकट की, कंट्रोल प्लस एस आएगा। ठीक है, इस तो अगा है फाइल प्रिंट लई शॉर्टकट की, कंट्रोल प्लस पी, कंट्रोल प्लस पी। ठीक है, अंडू करने लई शॉर्टकट की, कंट्रोल प्लस जेड। इस तो अगे रीडू या रिपीट करने लई आएगा कंट्रोल प्लस वाई। हाँ जी बच्चों, ये आ जाना है इंग्लिश मीडियम से, सानू फिर भी दिखा दें कि लिखा किदा होएगा, कन्फ्यूजन नहीं होएगी। हाँ जी, ये देखो इधर आधा तुसी कर चुके हो। ठीक है, इनाम तो हुण हैगा राइट द शॉर्टकट की टू क्रिएट न्यू फाइल, फिर तो लिख दें कंट्रोल प्लस एन। ठीक है, शॉर्टकट की टू ओपन द एग्जिस्टिंग फाइल, कंट्रोल प्लस ओ। नेक्स्ट हैगा शॉर्टकट की टू सेव द फाइल, कंट्रोल प्लस एस। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट हैगा राइट द शॉर्टकट की टू प्रिंट द फाइल, कंट्रोल प्लस पी। नेक्स्ट है अंडू करने लई कंट्रोल प्लस जेड। नेक्स्ट है रीडू या रिपीट करने लई कंट्रोल प्लस वाई। आई होप तुसी चंगी तरह समझ गए होंगे, हुण तुहानू दुबारा दुबारा वीडियो देखने की भी जरूरत नहीं होएगी, अच्छे से क्लीयर हो गया होगा। नेक्स्ट है बच्चे पंजाबी करते हैं हुण आपां। हाँ जी, इत्थे तक हो गया सारा। इस तो अगे क्वेश्चन आ गए, पहला है तीन अंकों वाले क्वेश्चन, कंप्यूटर नू परिभाषित करो, आओ करते हैं। हाँ जी बच्चे, इसका उत्तर है कंप्यूटर बिजली नाल चलन वाला वो उपकरण है जो यूज़र तो इनपुट के तौर पर डाटा लैंदा है और हदायतों के समूह की मदद नाल इनपुट किए डाटे नू प्रोसैस करता है और नतीजा आउटपुट के तौर पर दिता है। ठीक है बच्चे, आओ इस हुण आप इंग्लिश करते हैं। इसका उत्तर है कंप्यूटर इज़ एन इलैक्ट्रॉनिक मशीन, इट एक्सेप्ट डाटा एज इनपुट फ्रॉम द यूज़र एंड प्रोसैस इट अंडर द कंट्रोल ऑफ इंस्ट्रक्शन, आफ्टर प्रोसैसिंग इट गिव्स अ रिजल्ट एज अ आउटपुट। ओके बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाँ जी इस तो अगला है सी पी यू के भागों के नाम। हाँ जी बच्चों, इसका उत्तर है सेंट्रल प्रोसैसिंग यूनिट नू हेठ लिखे तीन भागों विच वंडिया जाता है, फस्ट है मैमरी यूनिट, कंट्रोल यूनिट, अर्थमैटिक लॉजिक यूनिट। इंग्लिश दे विच भी इदां ही लिखना है। ठीक है, सेंट्रल सी पी यू नू मतलब इदां ही लिख देना, आही सेम लिख देने है, मैमरी मैमरी यूनिट, कंट्रोल यूनिट, तो अर्थमैटिक लॉजिक यूनिट। वैसे इंग्लिश मीडियम से लिखा ही होया है, बट फिर भी तुहानू दिखा दिनी है, डाउट नहीं होएगा।
ਇੱਥੇ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ, ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਲਿਖਣਾ ਹੈ CPU divided into 3 parts. ਠੀਕ ਹੈ, ਫਸਟ ਇੱਦਾਂ ਲਿਖ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਬਸ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾਮ ਹੀ ਲਿਖਣੇ ਨੇ, ਆਹ ਨਾਮ ਲਿਖ ਦੇਣੇ ਆ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਮਰੀ ਯੂਨਿਟ, ਕੰਟਰੋਲ ਯੂਨਿਟ ਅਤੇ ਅਰਥਮੈਟਿਕ ਯੂਨਿਟ, ਲੋਜਿਕ ਯੂਨਿਟ। ਓਕੇ ਬੱਚਿਓ, ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਗਲਾ ਹੈ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੀਆਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕਿਸਮਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਂਜੀ ਬੱਚਿਓ, ਮਿਲ ਹੀ ਗਿਆ, ਦੇਖ ਹੀ ਲਓ ਤੁਸੀਂ। CPU ਕੰਸਿਸਟ ਆਫ ਦਾ ਫੋਲੋਇੰਗ 3 ਪਾਰਟਸ, ਮੈਮਰੀ ਯੂਨਿਟ, ਕੰਟਰੋਲ ਯੂਨਿਟ, ਅਰਥਮੈਟਿਕ ਲੋਜਿਕ ਯੂਨਿਟ। ਓਕੇ ਬੱਚਿਓ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੀਆਂ ਪਾਰਟਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉੱਤਰ ਹੈ ਮਾਈਕਰੋ ਕੰਪਿਊਟਰ, ਮਿੰਨੀ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦਾ ਉੱਤਰ ਹੈ ਨੋਟਪੈਡ, ਵਰਲਡਪੈਡ, ਪੇਂਟ ਅਤੇ ਕੈਲਕੂਲੇਟਰ। ਆਓ ਇੰਗਲਿਸ਼ 'ਚ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਇਹੀ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਉੱਤਰ ਹੈ ਨੋਟਪੈਡ, ਵਰਲਡਪੈਡ, ਪੇਂਟ ਅਤੇ ਕੈਲਕੂਲੇਟਰ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੱਚਿਓ, ਇਹ ਕਰ ਲਿਓ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਟੋਪ ਕੀ ਹੈ, ਇੰਗਲਿਸ਼ 'ਚ ਦੇਖ ਲਓ ਪਹਿਲਾਂ। ਇਸਦਾ ਆਂਸਰ ਹੈ ਦ ਵੈਰੀ ਫਸਟ ਸਕਰੀਨ ਦੈਟ ਅਪੀਅਰ ਆਫਟਰ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਕੰਪਿਊਟਰ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਡੈਸਕਟੋਪ, ਸ਼ੋਰਟਕੱਟ, ਟਾਸਕ ਬਾਰ ਐਂਡ ਵਾਲਪੇਪਰ ਆਰ ਦਾ ਮੇਨ ਕੰਪੋਨੈਂਟ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੱਚਿਓ, ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਕੁਐਸਚਨ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਟਾਰਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਸਕਰੀਨ ਨੂੰ ਡੈਸਕਟੋਪ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਆਈਕੋਨ, ਸ਼ੋਰਟਕੱਟ, ਟਾਸਕ ਬਾਰ, ਵਾਲਪੇਪਰ ਇਸਦੇ ਮੁੱਖ ਭਾਗ ਹਨ। ਹਾਂਜੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕੁਐਸਚਨ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੈ ਪੇਂਟ ਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਰਕ ਏਰੀਆ ਕੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋਨੋਂ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਪੇਂਟ ਇੱਕ ਗ੍ਰਾਫਿਕਸ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਇਹ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਮਾਈਕਰੋਸੋਫਟ ਵਿੰਡੋ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਸੀਂ ਡਰਾਇੰਗ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸਧਾਰਨ ਗ੍ਰਾਫਿਕਸ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਵੀ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਕ ਏਰੀਆ, ਆਓ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸਦਾ ਉੱਤਰ ਹੈ ਪੇਂਟ ਵਿੰਡੋ ਵਿਚਕਾਰ ਖਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਰਕ ਏਰੀਆ ਆਖਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਭਾਗ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਡਰਾਇੰਗ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਖੇਤਰ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰੀਬਨ ਅਤੇ ਸਟੇਟਸ ਬਾਰ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹੀ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਮੀਡੀਅਮ 'ਚ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਪੇਂਟ ਦਾ ਆਂਸਰ ਹੈ ਪੇਂਟ ਇਜ਼ ਏ ਗ੍ਰਾਫਿਕ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ, ਦਿਸ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਆਲਰੇਡੀ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਇਨ ਮਾਈਕਰੋਸੋਫਟ ਵਿੰਡੋ ਓਪਰੇਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ, ਵੀ ਕੈਨ ਯੂਜ਼ ਦਾ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਟੂ ਕ੍ਰੀਏਟ ਡਰਾਇੰਗ ਔਰ ਸਿੰਪਲ ਗ੍ਰਾਫਿਕਸ। ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਸੀਗਾ ਇਹਦਾ ਵਰਕ ਏਰੀਆ, ਆਓ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਦ ਬਲੈਂਕ ਏਰੀਆ ਇਨ ਦਾ ਮਿਡਲ ਆਫ ਪੇਂਟ ਵਿੰਡੋ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਦਾ ਵਰਕ ਏਰੀਆ, ਦਿਸ ਏਰੀਆ ਇਜ਼ ਯੂਜ਼ਡ ਟੂ ਕ੍ਰੀਏਟ ਦਾ ਡਰਾਇੰਗ ਔਨ ਇਨ ਪੇਂਟ, ਦ ਏਰੀਆ ਇਜ਼ ਯੂਜਲੀ ਦ ਏਰੀਆ ਬਿਟਵੀਨ ਦਾ ਰਿਬਨ ਐਂਡ ਦਾ ਸਟੇਟਸ ਬਾਰ। ਨੈਕਸਟ ਹੈਗਾ 5 ਅੰਕਾਂ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਇਸਦਾ ਆਪਾਂ ਆਂਸਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਵੱਡੇ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹ। ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੀਆਂ ਕੀ ਸੀਮਾਵਾਂ ਹਨ, ਜਾਂ ਇਸਦਾ ਉੱਤਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ ਕੋਈ 3 ਪ੍ਰਯੋਗ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ, ਆਓ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸਦਾ ਉੱਤਰ ਹੈ ਕੰਪਿਊਟਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ, ਨੰਬਰ 2 ਇੱਕ ਕੰਪਿਊਟਰ ਕਿਸੇ ਗਲਤ ਹਦਾਇਤ ਨੂੰ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਨੰਬਰ 3 ਕੰਪਿਊਟਰ ਯੂਜ਼ਰ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਨੰਬਰ 4 ਕੰਪਿਊਟਰ ਵਿੱਚ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਨੰਬਰ 5 ਇਸ ਕੋਲ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਿਆਨ ਜਾਂ ਤਜਰਬਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੱਚਿਓ, ਆਓ ਇਹੀ ਕੁਐਸਚਨ ਆਪਾਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ 'ਚ ਵੀ ਬੜਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ ਕੋਈ 5 ਪ੍ਰਯੋਗ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਫਿਰ ਦੋਨੋਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਾਲੇ ਵੀ ਕਰਵਾ ਦਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਫਸਟ ਦੇਖੋ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ, ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨੰਬਰ 2 ਮਨੋਰੰਜਨ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਮਨੋਰੰਜਨ ਦਾ ਵਧੀਆ ਸਾਧਨ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਰਾਹੀਂ ਗਾਣੇ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਲਮਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਗੇਮਾਂ ਖੇਡ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਨੰਬਰ 3 ਖੇਡਾਂ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕਾਰਜ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਨੰਬਰ 4 ਬੈਂਕ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਬੈਂਕ ਦੇ ਸਾਰੇ ਖਾਤਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਬਹੁਤ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਅਤੇ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਨੰਬਰ 5 ਹਸਪਤਾਲ, ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਮਰੀਜ਼ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕੰਪਿਊਟਰ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਂ, ਜੋ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਮੀਡੀਅਮ 'ਚ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਬੱਚਿਓ,
डिफाइन एनी फाइव एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर। पहला हैगी हूँ एजुकेशन, कंप्यूटर आई यूज इन स्टूडेंट बाय टीचर इन एजुकेशन फील्ड। नंबर टू इंटरटेनमेंट, कंप्यूटर इज़ ए गुड सोर्स ऑफ इंटरटेनमेंट, वी कैन वॉच मूवीज, लिसन म्यूजिक एंड प्ले गेम्स ऑन कंप्यूटर। नंबर थ्री गेम्स, कंप्यूटर कैन यूज टू इम्प्रूव द परफॉर्मेंस ऑफ प्लेयर्स। नंबर थ्री बैंक्स, ऑल द कस्टमर अकाउंट आर ईजिली बी मैनेज यूजिंग कंप्यूटर। नंबर फाइव हैगा हॉस्पिटल, इन हॉस्पिटल पेशेंट रिकॉर्ड इन स्टोर इज स्टोर्ड इन कंप्यूटर्स, इट बिकम ईजी टू मोनीटर द ब्रीथ ऑफ ईच पेशेंट। हाँ जी, इस तो अगला क्वेश्चन सीगा लिमिटेशन ऑफ कंप्यूटर, आओ ये भी देख लो। इसका आंसर हैगा जा वाला है, दोनों में कोई भी कर सकते हो तुसी। दूसरा हैगा ए कंप्यूटर कैन नॉट टेक डिसीजन बाय इटसेल्फ, ए कंप्यूटर कैन नॉट करेक्ट रॉन्ग इंस्ट्रक्शंस, कंप्यूटर कैन नॉट डू एनी वर्क विदाउट द इंस्ट्रक्शन फ्रॉम द यूजर, इट डज नॉट हैव फीलिंग और आईक्यू। नंबर फाइव इट डज नॉट हैव नॉलेज एंड एक्सपीरियंस लाइक ह्यूमन बींग। नेक्स्ट जी बच्चों, इस तो अगला है ऑपरेटिंग सिस्टम की है, बख बख ऑपरेटिंग सिस्टम की उदाहरण जा कंप्यूटर सिस्टम बंद करने लई बख बख ऑप्शन की व्याख्या। जी बच्चों, इसका उत्तर है ऑपरेटिंग सिस्टम एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है, एक सॉफ्टवेयर यूजर अते मशीन दे विचकार काम करने लई एक इंटरफेस प्रदान करता है, एक कंप्यूटर दे सारे अंदरूनी कार्यों नू कंट्रोल करके कंप्यूटर हार्डवेयर नू वरतों योग बनाउंदा है। ऑपरेटिंग सिस्टम विच बहुत किस्म हुंदियां हन, एक विंडो लिनक्स डॉस आदि कंप्यूटर नू चलाउण वाले ऑपरेटिंग सिस्टम दियां उदाहरण हन, एंड्रॉयड सीबियन आदि मोबाइल फोन स्मार्ट टीवी आदि नू चलाउण लई वरते जाण वाले ऑपरेटिंग सिस्टम दियां उदाहरण हन। हाँ जी, इस तों अगला है कंप्यूटर सिस्टम नू बंद करन नाल संबंधित कुछ ऑप्शन, शटडाउन इस दी वरतों नाल कंप्यूटर दे सारे भाग बंद हो जाते हैं ते कंप्यूटर सिस्टम दे किसी भी भाग में पावर सप्लाई चालू नहीं रहती। नंबर दो हैगा स्लीप, इस दी वरतों नाल मोनीटर LCD बंद हो जाते हैं, कंप्यूटर दे अंदरूनी डाटा सेफ हो जाता है परंतु कंप्यूटर दी पावर सप्लाई चालू रहती है। नंबर तीन ते लॉग ऑफ, इस दी वरतों करते हुए असी अपने यूजर अकाउंट विच बाहर आ जाते हैं। रीस्टार्ट, इस दी वरतों कंप्यूटर नू बंद करके दोबारा स्टार्ट करने लई कीती जाती है। आओ हुण तुहानू इंग्लिश मीडियम विच भी दिखा दिंदे आ दोनों क्वेश्चन है, वट इज़ ऑपरेटिंग सिस्टम, एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। यदा आंसर है ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ ए सिस्टम सॉफ्टवेयर, द सॉफ्टवेयर प्रोवाइड द इंटरफेस फॉर वर्किंग बिटवीन यूजर एंड मशीन, इट मेक्स द कंप्यूटर हार्डवेयर यूजेबल बाय कंट्रोलिंग ऑल द इंटरनल फंक्शन बाय कंप्यूटर। देयर आर मैनी टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, विंडो लिनक्स डॉस एक्सट्रा और आर द एग्जाम्पल ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम फॉर ऑपरेटिंग कंप्यूटर सिस्टम, एंड्रॉयड सिम्बिनिया आर द एग्जाम्पल ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम फॉर ऑपरेटिंग मोबाइल फोन स्मार्ट टीवी। ठीक है बच्चों, नैक्सट हैगा सीगा अपना इस तो अगला ही है तो हैगा एक्सप्लेन द डिफरेंट ऑप्शन ऑफ शटिंग डाउन द कंप्यूटर सिस्टम। फर्स्ट है शट डाउन, द ऑप्शन शट डाउन ऑल पार्ट ऑफ द कंप्यूटर एंड नो पावर सप्लाई पार्ट्स इन कंप्यूटर सिस्टम। ठीक है, स्लीप द ऑप्शन टर्न ऑफ मोनीटर LCD एंड सेव्स द इंटरनल डाटा एंड कंप्यूटर इज पावर सप्लाई इज कैप्ट ऑन। लॉग ऑफ, द ऑप्शन इज यूज टू लॉग आउट फ्रॉम द विंडो अकाउंट। रीस्टार्ट, द ऑप्शन इज यूज टू रीस्टार्ट अवर कंप्यूटर सिस्टम। हाँ जी बच्चों, ये तुहाडा पूरा पेपर सी, एक्चुअली मेरा गला खराब है सो तुहानू आवाज इस तरह की ही आएगी इस बार, काफ़ी दिनों तो थोड़ा जहा गले प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है, आ देखो हूँ आ मैं तुहानू इंग्लिश मीडियम का वैसे दिखा दिनी हाँ, ये सारा पेपर आप सॉल्व कर लिया, मैं नाल दी नाल ही तुहानू करवा दिता सेम क्वेश्चन सी। ठीक है, आप इंग्लिश मीडियम च कर ले आ, पंजाबी मीडियम से भी करवाता। हुण तुसी इस वीडियो नू वध तो वध लाइक करना है, अपने फ्रेंड्स नाल शेयर करना है, तो जिन्हें चैनल सबसक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ प्लीज़ चैनल में सबसक्राइब करो। हुण मैं देखना है कि 7th क्लास वाले वध लाइक करते हैं या 6th क्लास वाले, सो जरूर लाइक करना है वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।